एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तमाम महिलाओं के अधिकारों की बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से अगर महिलाओं को एक जैसी कानूनी व्यवस्था प्रोटेक्शन मिलता है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। अगर वो मुस्लिम का महिला पे भी लागू होगा तलाक का, वो हिंदू महिला पे भी होगा। देखिए, जो जहर के जो खेती बोई है वो जहर की खेती काटनी भी पड़ेगी ना। जो बीज डाले इस धरती में, जातिवाद का जो जहर फैलाया पिछले 70 वर्षों में, खासतौर पे भारत की आज़ादी के बाद और भारत का संविधान लागू होने के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद जब एक महान संविधान लागू हुआ और उस संविधान में कहा बाबा साहब ने कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ना उसमें जाति थी, ना धर्म था, ना समुदाय था, ना क्षेत्र थी, ना भाषा था। और उसमें जो प्रेम्बल में जो बाबा साहब ने जो भारत के संविधान को चार महान पिल्लर पर खड़ा किया, जिसमें सबको इक्वल न्याय, सबको स्वतंत्रता, सबको समानता और सब बंधुता के साथ रह करके भारत को एक अखंड भारत बनाएंगे, एक मैसेज बाबा साहब ने दिया। तो उसके बाद इस देश पे वो लोग जो कि एक छत्र राज करते थे पिछले 5000 वर्षों से, उनको लगा कि भाई अब तो ये जो जिनको हम अपने पैदाइशी अछूत मानते थे, कमज़ोर मानते थे, महिलाओं को जो जो इनको हम वस्तु की चीज़ मानते थे, अपने उपभोग की चीज़ मानते थे, जिनको जिंदा जला देते थे, मरने के साथ अपने साथ ही मार दिया करते थे, तो वो तमाम लोग अब खड़े होकर के, अब शिक्षा प्राप्त करके, अब हमारी बराबर आएंगे, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, वो भी राजा बनेंगे, यहाँ मंत्री, प्रधानमंत्री, संतरी बनेंगे। वो हमने नहीं लिखा है, आज उन्होंने ही लिखना पड़ा, उनको खुद लिखना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने खुद लिखा है। क्योंकि जब आज जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं और इसमें जो भारी डिफीट हुई है मनुवाद की, आप देखिए ये जो 3 राज्य आए इसमें तीनों मनुवादी पार्टियां एक एक राज्य जीती हैं तिकड़म लगा के, और दो दो राज्य हारी। बिल्कुल मनुवादियों बड़ी बहन है, मैं तो कहता हूँ मनुवादियों की बड़ी बहन है और बीजेपी मझली बहन है और लाला केजरीवाल वो तीसरी छोटी बहन है। नहीं कोई अभी पार्टी है, अभी पार्टियां जो अभी जितनी भी पार्टियां अपने चरित्र में बाबा साहब के संविधान में भी जो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में खड़े हो रहे हैं, जो लड़ना अभी शुरू कर रहे हैं, उनको एक नया भारत के लिए एक नई राजनीतिक बनानी पड़ेगी, नई राजनीतिक दिशा बनानी पड़ेगी। देखिए इस देश के जो SC ST के साथ साथ जो इस देश के मायनोरिटी हैं वो भी चले गए हैं इन राजनीतिक दलों के द्वारा। नहीं हम क्या कह रहे हैं, मैंने तो कल भी कहा था कि मैं जातिवाद का घोर विरोधी हूँ और मैं इस शब्द का कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ और इसका मैं विरोधी हूँ। हमें ब्राह्मणों को या किसी जाति को, पर्टिकुलर जाति को बाहर नहीं करना है। हमें इस देश से जो जहर के ऊपर जो एक संविधान है उनका, जो आचार संहिता है, जो मानव द्वारा मानव के शोषण पे आधारित उनकी मनुस्मृति है, उसको भारत से बाहर करो, उस विचारधारा को देश से बाहर करो, उसके विरुद्ध मनुवाद भारत छोड़ो इसका नारा हमें देना पड़ेगा। हमें किसी जाति के विरुद्ध, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, क्योंकि सब नागरिक हैं। बाबा साहब ने कह दिया 26 जनवरी 1950 से पहले जो इस देश में थे वो सब इस देश के नागरिक हैं। आप नागरिकता का पढ़ो ना इसका, जो दूसरा हमारा पार्ट है संविधान का, पहला पार्ट है हमारे संघ का। नहीं देखिए वो तमाम जितने भी लोग हैं जो पहले होना चाहिए था इस देश में, लेकिन गलत तरीके से उसको कर रहे हैं। जो पहले होना चाहिए संविधान में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वहाँ प्रावधान है। और उस समय जब बाबा साहब ने जब महिलाओं को, इस देश की महिलाओं के लिए जब बनाया था हिंदू कोड बिल, तब इन्हीं लोगों ने विरोध किया था, इन्हीं के पूर्वजों ने विरोध किया था। उसमें यह था तमाम महिलाओं के लिए शादी ब्याह तलाक और जायदाद में प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी के लिए उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हर एक धर्मों पे लागू हो, हर एक धर्म की महिलाओं पे लागू हो, हर एक धर्म के लोगों पे लागू हो। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को थोड़ा गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा, उसमें सिर्फ शादी ब्याह तलाक और जमीन जायदाद में हिस्सेदारी का मामला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है उसमें। तीसरी बात ये कि अब जो बाबा साहब ने, यहाँ कंट्राडिक्शन हो रहा है, जो बाबा साहब ने संविधान की इंडिपेंडेंट आज़ादी का, जो धर्मों की आज़ादी का जो प्रावधान किया है मूल अधिकार में आर्टिकल 25 में, अब वो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे शादी ब्याह और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तो हमारे धर्म का हिस्सा है,
अब धर्म के हिस्से को आप कैसे करोगे, तो इनको बताना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए जनता को भी और माइनॉरिटियों के नेताओं को भी शामिल करना चाहिए कि ये धर्म पे कुठारा घात नहीं है, ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तमाम महिलाओं के अधिकारों की बात है। कि वो धर्म का मामला है, वो कह रहे हैं कि पहले भी उसका भी हुआ था, 3 तलाक वाला जो सिस्टम हुआ था उसके विरुद्ध भी हो रहा था। अब जब सही महिलाओं को देखिए, कहीं ना कहीं पर हमें सोचना पड़ेगा कि पूरे देश की महिलाओं को एक जैसा शादी ब्याह में एक जैसा तौर तरीका कानून लागू हो उनकी शादी ब्याह पर। देखिए मैंने भी पढ़ा नहीं है बिल, क्योंकि मैंने अभी देखा है, मैंने कल उसको खूब अच्छे से चेक किया, लेकिन बिल मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। बिल मीना साहब ने उसको पेश किया है, अब उस बिल को देखना पड़ेगा। उसके समर्थन में 68 वोट पड़े उसको पेश करने के और उसके विपक्ष में 28 वोट पड़े हैं, लेकिन वो सिविल जो वो मामला सिविल कोर्ट का पूरा बिल मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर इसमें शादी ब्याह तलाक एक जैसी तलाक की व्यवस्था और तमाम महिलाओं को जमीन जायदाद में इक्वल राइट की अगर व्यवस्था है तो मैं इसका समर्थन करता हूं। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है, धर्म को कोई आघात पहुंच रहा है या कोई किसी रिलीजन को अगर दिक्कत हो रही है और इसमें महिलाओं के अधिकार मारे जा रहे हैं तो मैं उसका विरोध करता हूं। नहीं बिल्कुल, मैं तो समर्थन में हूं। जैसा मैंने पढ़ा अभी तक जितना मुझे मिला है कि शादी ब्याह महिलाओं की शादी ब्याह तलाक और ये जमीन जायदाद से मामला जुड़ा हुआ है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें दिक्कत उनको है कि जो अपने अपने धर्मों में सुप्रीम बने हुए हैं, महिलाओं को हर धर्म में कमजोर समझा जाता है, महिलाओं को उनको भोग की वस्तु समझा जाता है और महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है। अगर इस सिविल कोड से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से अगर महिलाओं को एक जैसी कानूनी व्यवस्था प्रोटेक्शन मिलता है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। नहीं देखिए, वो विरोध दूसरे तरीके का है, वो तरीके का इसका कि किसी का अधिकार अगर मारा जा रहा है महिलाओं का, अगर आपके अधिकार में जैसे ओबीसी साहब कहते हैं जो उनका निकाह का मामला है उसमें जो वो मेहर की राशि रखते हैं, अगर कोई तलाक देता है तो उसको तमाम उसके जो मेहर की राशि उसको मिलती है उसको प्रोटेक्शंस मिलते हैं, तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं उनके हिसाब से। जो उनका निकाहनामा जो होता है उसका एक अपने आप में एक कायदा कानून होता है जिसको कि कोर्ट में जहाँ 5 साल लगने हैं वहाँ पर वो 6 महीने में ताबड़तोड़, जिस तरह ताबड़तोड़ तलाक देते हैं वैसी ताबड़तोड़ उन महिलाओं को उनके अधिकार भी मिलते हैं। तो उसमें क्या है कि जहाँ पर जो महिलाओं को जो इस्लाम में जैसे कि उनमें एक बहुत सारी गलत व्यवस्था है कि जो वो शादीशुदा महिला है वो दोबारा से शादी करने में उसको कई सारी अड़चने हैं, वो किसी दूसरे से शादी करेगी फिर दोबारा से वो अपने पति शौहर के पास वापस जा सकती है अगर उनका सहमति बनती है तो जो 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 गलत तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं धर्मों में जो पुरानी है पुरातन है, जब महिलाओं को कमजोर समझा जाता था, महिलाओं को गुलाम समझा जाता था, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं थे, अगर उस समय की व्यवस्था अगर कुरीतियों को खत्म किया जा रहा है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो मैं उसका समर्थन करता हूं। मगर ये ध्यान रखे सरकार की मूल अधिकार जो संविधान में मूल अधिकार है हर एक धर्मों के इंडिपेंडेंट, उनको वो सुरक्षित रखे, उनकी भावनाओं को उनकी कदर करे और सबको इन्वॉल्व करो ना, सारे मौलवियों को बुलाओ, सारे तमाम जितने भी हैं जो अपने माइनॉरिटी धर्म के लोग हैं उन सबको मुख्य लोगों को बुलाओ और जनता से भी उसका उसका उस पर रेफरेंडम कराओ कि उसमें रेफरेंडम क्या है, उसके बाद करो जिससे आपके ऊपर बात ना आए। तो मैं उसका तो समर्थन करता हूं अगर संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में नहीं है तो मैं उसका विरोध करता हूं। अभी मेरे को वो पूरा बिल मेरे को कॉपी मिली नहीं है, मैं उसको पढ़ूंगा। नहीं देखिए कानून तो बनते हैं, कानून तो बनते हैं, एक से एक अच्छे कानून भी बने मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। जैसे SC ST एक्ट बना, वो इतना बढ़िया कानून था कि उससे अगर छुआछात को और जातिवाद को कहीं बहुत हद तक अबोलिश किया जा सकता था अगर उसको ठीक से लागू कर दिया जाता तो, अगर देश में वो इम्प्लीमेंट हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब देखिए जैसे रिजर्वेशन का जो आर्टिकल 16(4) में है, अगर रिजर्वेशन इस देश में अगर सरकारें ठीक से लागू कर देती तो आज इस देश के अंदर रिजर्वेशन नहीं होता, ऑटोमेटिक खत्म हो गया होता। क्योंकि रिजर्वेशन क्या कह रहा है, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत कर दो जिनको हजारों वर्षों से ना शिक्षा का अधिकार था ना उनको योग्यता के हिसाब से रोजगार का अधिकार था, तो उनको अपने अपने पैरों पर खड़ा कर दो, एजुकेशन और फॉर ऑल जो आर्टिकल 21A में है और सबको एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, तो ये सब कर दो अपने आप रिजर्वेशन खत्म हो जाएंगे। मगर जो आपने जो अपर कास्ट लोग थे उनको भी आपने बेरोजगार कर दिया, आपको EWS का 10% रिजर्वेशन देना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस देश में पिछले 73 सालों में जो सरकारें आई उनकी नीतियाँ बिल्कुल खराब थी, आपने जो कमजोर थे उनको ताकत देने की बजाय जो ताकतवर थे उनको भी आर्थिक कमजोर कर दिया। नहीं बिल्कुल मतलब है, क्योंकि उनकी धार्मिक जो उनकी मान्यताएं थी वो धार्मिक मान्यताएं आज खतरे में हो गई। जब इस्लाम में लोग और या हिंदुओं में लोग या दूसरे उसमें लोग उसमें जब महिला को
वो समझते हैं कि घर में ये खाली चूल्हा चौका करने के लिए है, ये हमारी उपभोग की वस्तु है, इसको अधिकार नहीं मिलने चाहिए, बुरके में रहनी चाहिए या पर्दे में रहनी चाहिए, घर से बाहर ना निकलनी चाहिए, इनको पढ़ने का हक नहीं है, रोजगार करने का हक नहीं है, इनको हमारे बराबर खड़े होने का हक नहीं है, ये सिर्फ हमारे बच्चे पैदा करें, उनका पालन पोषण करें और हमारी सेवा करें। आज अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है और उनको शादी का और उनको तलाक का एक बराबर अधिकार कानून एक इक्वल कानून मिल रहा है, तमाम यस एक समान हो जाएगा, जो तलाक का कानून है, जमीन जायदाद का कानून है और शादी ब्याह करने का जो कानून है, वो एक तमाम महिलाओं के लिए, किसी भी जाति धर्म की महिलाएं हैं, उन सबको एक जैसा हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए विरोध है, डेमोक्रेसी है, जिसको समझ नहीं उनको समझाओ ना, सरकार की जिम्मेदारी है। आप अगर जबरदस्ती बिल लेके आओगे विरोध होगा, अगर आप बिना समझाए, अगर आप जनता की बहुमत जनता के अगर पक्ष में उसको लेके आ रहे हैं, जनहित में कोई कानून लेके आ रहे हैं, तो जनता को बताना आपकी जिम्मेदारी है, पहले उसको उनको सेटिस्फाई करो, उनको बताओ। नहीं लॉ से जुड़ा, लेकिन इसमें सिविल कोड में पुजारी बनना नहीं है, इसमें महिलाओं को जो अधिकार आज तक नहीं मिले, एक जैसा कानून अगर वो मुस्लिम का महिला पे भी लागू होगा तलाक का, वो हिंदू महिला पे भी होगा, क्रिश्चियन पे भी होगा, वो तमाम महिलाओं पे होगा जब उनको तलाक लेना होगा या कोई उनके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है, उनके स्वतंत्रता में अधिकारों पे खलल हो रहा है, तो वो जा करके कोर्ट में जा सकती है। एक कानून देखिए, ये हक की बात तो है, भारत के संविधान को आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, देखिए महिलाओं की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 14 में लिखा है विधि के समक्ष तमाम नागरिक एक बराबर हैं, उसमें महिलाएं भी हैं और उसमें आदमी भी हैं, सारे हैं, थर्ड जेंडर भी है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। नहीं देखिए जो आज कर रहे हैं ये इनके मन में कुछ और है। कई बार होता है कि आप दूसरों का नुकसान करने की चक्कर में आप बहुमत लोगों का फायदा कर देते हो, तो मुझे तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो भारत के संविधान में भी लिखा है, जो आज नहीं बनना चाहिए था, जो 1956 में ही बन जाना चाहिए था, 52-53 में बन जाना चाहिए था, जो उस समय की मौजूदा सरकार ने उसको बनाया नहीं वोट के चक्कर में, वो अपने वोट के चक्कर में नहीं बनाया, वोट के डर से नहीं बनाया, और आज यहाँ जो भी थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी भी आए भाई, उसके बाद जनता पार्टी भी आई, उसके बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं, ऐसा मत करो, मोर्चा सरकार भी आई, उन्होंने भी हिम्मत नहीं करी, क्योंकि उनको माइनॉरिटी के वोट चाहिए थे, महिलाओं को, क्योंकि पता है ना कि जहां आदमी कहेगा पुरुष कहेगा वहीं महिला वोट डालेगी, वो आज भी ऐसा है, मैंने देखा गांव-गांव में प्रचार करके महिलाओं से बात करे, अरे इनसे मत करो, हम कह रहे हैं ना हम जहाँ वोट करेंगे वहाँ करेंगे, आज भी ये गुंडागर्दी है, आज भी महिलाओं को स्वतंत्र वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ये लेकर के आ रहे हैं संविधान के तहत, तो मैं उसको कहना चाहता हूँ कि हम उसका समर्थन करेंगे, अगर इसमें कोई छल कपट है तो पूरा बिल पढ़ने के बाद हमें नहीं, ये मंदिर तो देखो ये धार्मिक नहीं है, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इट इज नॉट ए, ये देखिए ये मंदिर मस्जिद का रिलीजियस मैटर नहीं है। देखो हमें अभी SC ST को नहीं हुई तो महिलाओं को कहां से हो जाएगी? हम जो इस देश के अछूत जो हिंदुवाद का हम झंडा उठाए घूम रहे हैं, जब हमें आज तक नहीं घुसने दे रहे, लेकिन ये सिविल कोड जो आ रहा है ये मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है, ये मामला है उनके इक्वल राइट का, ये धार्मिक नहीं है सर, कैसे मुझे बताइए? ना 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 ना, आपने बनाया हुआ ना सर, आज तक कानून नहीं बना, ये कानून भारत के संविधान में आप देखो, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है, आप उसको पढ़ो, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी समय बनना चाहिए था, बाबा साहब लिख के गए थे, जब 1952 में बाबा साहब ने जब हिंदू कोर्ट बिल बना करके जब वो इस्तीफा दिया, जब वो फेल हो गया, तो बाबा साहब का इस्तीफा इसीलिए था क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर हिंदू कोर्ट बिल आना चाहिए था, सब महिलाओं को उसमें उन्होंने इंक्लूड किया था, उसमें वो पहाड़ी इलाका नेचर से जुड़ा हुआ है, दैट इज ना वो नेचर से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें इसलिए जुड़ी हुई है, नेचर से जुड़ी हुई है कि तमाम लोग जा करके उस नेचर को डिस्ट्रॉय ना करें, वहां पर तमाम लोग घर बनाएंगे छोटे छोटे, पहाड़ नष्ट होंगे, नेचर नष्ट होगा, जंगल नष्ट, देखिए लेकिन अब हुआ है, लेकिन अब हुआ है, अब हुआ है जी, अब हुआ है। देखिए मुझे समझ नहीं आता, मैं मुस्लिम भाइयों से हमेशा से कहता हूँ कि भाई आप इस रिलीजियस चक्कर में ना पड़ के आप भारत के नागरिकों, भारत की सरकारों से बोलो आप इस चक्कर में मत पड़ो, अभी पार्लियामेंट चल रही है, मेमोरेंडम दो कि भैया 20% हमारी आबादी है, भारत की फौज में 20% हमें सैनिक चाहिए, हमारे हमें इस देश के जो जितने अर्धसैनिक बल हैं 20% हमारी वहाँ पे भागीदारी सुनिश्चित करो, स्टेशन में हमारी हिस्सेदारी दो, हमारे बच्चों को रोजगार दो, इस देश के बजट में 20% हिस्सेदारी दो। आप कह रहे हो आप धर्म के पीछे पड़े हुए, महिलाओं को आज़ादी मिल
जाएगी। देखिए वो एक बैरिस्टर है, अगर ऐसी बात कर रहे हैं मुझे बड़ी तकलीफ है। मैं ओबीसी साहब का एक प्रशंसक हूँ क्योंकि कानून की संविधान की बात करते हैं। अगर वो आप अपनी आज़ादी की बात तो कर रहे हो, जब आपकी महिलाओं की आज़ादी की बात आ रही है, जब उनको मान सम्मान की और एक से एक कानून मिल रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है, तो ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए इस पर डिबेट करना चाहिए। इसमें संसद में अगर बिल के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो गैर संवैधानिक है तो आपको अपना प्रपोजल अपना विचार देना चाहिए, विरोध जताना चाहिए अगर वो ना माने, लेकिन आपको कानून के हिसाब से चलना चाहिए, संविधान के हिसाब से।